आज जो मैजिक लेके आया हूँ दोस्तों, तो बहुत ही एक मजेदार मैजिक है दोस्तों। आप अपने दोस्त के साथ टेबल में कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप घर में भी कर सकते हैं तो। फ्रेंड्स, ये करने के लिए आपको चाहिए घर का चीज, एक ग्लास चाहिए, कॉइन चाहिए, और एक चाहिए आपको टिश्यू पेपर, यानी कि कोई सा पेपर चाहिए, एक मोटा सा पेपर चाहिए। तो पहले मैजिक आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, एक टेबल है, नॉर्मल सा टेबल है, ठीक है, ओरिजिनल टेबल है, कोई छेद नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, देखिए आपके सामने, और ये जो ग्लास है, इस ग्लास को इस पॉइंट पर रख देता हूँ, और ये देखिए एक नॉर्मल सा कागज़ है, कुछ नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये ग्लास, ठीक है, ये ग्लास है, और ये एक पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट जो है अभी भी है, तो इस ग्लास को मैं इस पॉइंट के ऊपर रख देता हूँ, और इसको मैं मैजिक करेंगे, और देखिए जो पॉइंट है वो वैनिश हो जाएगा। तो 1 and 2 and 3, और ये कॉइन हम वैनिश होना था, ये तो लगता है ग्लास वैनिश हो गया, देखते हैं। अरे कॉइन तो अभी भी है, लेकिन ग्लास वैनिश हो चुका है दोस्तों। कुछ भी तो वैनिश हुआ है, कॉइन वैनिश होना था, लेकिन हो चुका है ग्लास वैनिश। देखिए बहुत ही मजेदार मैजिक है, आप भी इस तरीके से आपके फ्रेंड के साथ कर सकते हैं दोस्तों, फ्रेंड के साथ मजा कर सकते हैं, आपके घर के घर में दिखा सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर तरीके है। तो ये करने के लिए चाहिए आपको कॉइन्स और एक ग्लास और एक पेपर दोस्तों। आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इस मैजिक का ट्रिक क्या है। अगर अभी तक मेरा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा दीजिए, तो जो न्यू वीडियो मैं YouTube में अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, इस मैजिक को करने के लिए जो बताया था, ग्लास, एक पॉइंट और एक कागज के टुकड़े चाहिए दोस्तों। और एक जो ट्रिक है, ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रिक जो मेरे साथ किया है वो मेरा दोस्त है, उसको मैं बुलाना चाहूंगा, तो आ जाइए। तो जो मैजिक किया, उस मैजिक के ट्रिक जो था इन्होंने किया, किस तरीके से किया था मैं आपको बताऊंगा, चलिए आप रेडी हो जाइए। देखिए दोस्तों, ये जो मेरा दोस्त है वो मेरा टेबल के नीचे में बैठा था दोस्तों, तो वो कर रहा था ट्रिक और मैं दिखा रहा था मैजिक। तो दोस्तों, आप अगर आपके साथ दोस्त नहीं है तो आप कपड़ा यूज कर सकते हैं नीचे में रखने के लिए, क्योंकि ये जो ग्लासेस छोड़ने के टाइम आवाज आ सकता है दोस्तों, इसलिए नीचे में कुछ भी रहना चाहिए। अगर आपके दोस्त के साथ दे रहा है दोस्त तो दोस्त लीजिए, अगर दोस्त नहीं है आपके पास तो आप सिर्फ आपको फ्रेंड्स को दिखाना चाहते हैं, दोस्त को दिखाना चाहते हैं, तो नीचे में कपड़ा रख दीजिए दोस्तों। इसके बाद क्या क्या था, एक कॉइन दिखाया था, उसके बाद आया रखा था ग्लास, इसके बाद ये जो कागज जब मैं यहाँ पर रखा था दोस्तों, तो आपको दिखाया था, देखिए दोस्तों यहाँ पर कॉइन है, तब ये जो ग्लास है, ग्लास को मैं यहाँ पर धीरे से इस तरीके से छोड़ रहा था दोस्तों। तो आपको लग रहा है कि अभी भी ग्लास है, देखिए दोस्तों, देखिए देखिए ग्लास इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल खाली है ग्लास, देखिए इसके हाथ में। तो अगर इस तरीके से आप थोड़ा चाप लगाएंगे और ग्लास को यहाँ पर रख देंगे, तो देखिए दोस्तों आपको लगेगा कि यहाँ पर ग्लास है, तो आपको थोड़ा मोटा कागज लेना है, यूज करना है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रखा था और आपको लगा देखा है, तो देखिए दोस्तों ग्लास है, और देखिए एक ओरिजिनल पॉइंट था, ये जो ग्लास है इसको मैं इस तरीके से टेबल के यहाँ पर रख के ये जो ग्लास है इसको छोड़ा और वो कैच कर लिया दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर पॉइंट था, तो आपको इसे लेके आया और दोस्तों इस तरीके से मैं आईडी को दिखाया, देखिए ग्लास बना दिया, ओके, लेकिन देखिए ग्लास अभी भी इसके खाली है दोस्तों। तो आप इस तरीके से मैजिक कर सकते हैं दोस्तों, आपके फ्रेंड के फ्रेंड को ले सकते हैं आप इस मैजिक को करने के लिए, और आपके पास अगर फ्रेंड्स नहीं है, दोस्त नहीं है, सिर्फ आप दोस्त को दिखाना चाहते हैं दोस्त, तो नीचे में कुछ रख लीजिए, ये जो ग्लास है टूट ना जाए और आवाज़ ना आए।